दर्शकों नमस्कार, मैं निषाद रंजन और आकाश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदू मुस्लिम के एकता का संदेश है प्रतापगढ़ यात्रा। विधानसभा अध्यक्ष श्री नाना पटोले ने कहा कि प्रतापगढ़ यात्रा हिंदू मुस्लिम के एकता का संदेश है। यहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है, इसलिए देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों ने समझ लेना चाहिए कि देश को आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, उसे संविधान के माध्यम से संभालना हम सब की जिम्मेवारी है। अर्जुनी मुर्गा तहसील के प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि यात्रा के दौरान श्री नाना पटोले दिन भर उपस्थित रहकर शिव भक्तों को मिलते हैं। महाशिवरात्रि यात्रा को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष श्री नाना पटोले से बातचीत की। आखिर क्या कहते हैं श्री नाना पटोले, देखिए आकाश न्यूज के साथ खास बातचीत। महाशिवरात्रि को भी गोंदिया जिले की सबसे बड़ी जो महादेव की यात्रा कही जाती है, प्रतापगढ़ की महाडो पहाड़ी पर यात्रा होती है और खास करके यहाँ सर्वधर्म सर्वभाव की यात्रा को प्रतीक माना जाता है। इस यात्रा को हर वर्ष अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए हमारे लोक नेता नानाभाई पटोले प्रयास करते आ रहे हैं और अच्छी सुविधा देने से यहाँ के श्रद्धालु समाधान भी व्यक्त करते जा रहे हैं। अभी हमने देखे कि शिव भक्त जब दर्शन करके आते हैं तो एक मन प्रसन्न करके आते हैं और कहते हैं कि यहाँ अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। वो मुझे बताइए कि पिछले साल आपातकालीन स्थिति में मतलब बिजली गिरने से मूर्ति की मूर्ति खराब हो चुकी थी और इस साल अभी नई मूर्ति की स्थापना होती है, पिछले 19 तारीख से विधिवत पूजा अर्चा की है, इस पूजा का उद्देश्य क्या है? देखो, एक जगह का एक स्थान, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सर्वधर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। आज शिवरात्रि, कल से उस्मानिया आरुणि बाबा का दरगाह था वो शुरू हो जाएगा। इस जगह से ये संदेश हम दे सकते हैं कि देश में धर्म कई है, लेकिन धर्म के सब धर्म अलग होने के बाद भी सब लोग एक साथ रहकर यहाँ पर आके जियारत और पूजा करते हैं। ये देश के राज्यकर्ता को समझना चाहिए। आज देश में कुछ कानून ऐसे लाए गए उसमें लोगों में दहशत निर्माण हुई है। हमने कई बार कहा कि सरकार ने खुद आके वो कानून के बारे में अवगत कराना चाहिए, लोगों का डर खत्म करना चाहिए। अगर कानून गलत है तो कानून वापस लेना चाहिए। हमारा संविधान हमें जो मिला है बड़े मुश्किल से मिला है। हमारे देश की आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से कई लोगों के बलिदान के बाद मिली है और आज़ादी देश की संभालना, देश का संविधान को आबादित रखना, ये हम सब लोगों का दायित्व जाता है। और ये जगह का वही महत्व है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर जियारत और पूजा अर्चना करते हैं, यही सबसे बड़ी एक संदेश विविधता में एकता का यहाँ से जाता है। और इसलिए इस जगह को हम उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं और इसलिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करने का एक काम हम लोगों ने किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले कल में ये 12वीं यात्रा यहाँ पे शुरू होगी, जिसे एक हिंदू मुस्लिम की एकता का एक संदेश पूरे देश में जाएगा। अब इस जो नई सुविधा आपने उपलब्ध करवाई है, मैंने कई भक्तों से बात की है, आपका नाम लेकर कई भक्त मतलब उन्होंने समाधान व्यक्त किए कि इस बार खास करके पानी की व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त आगे और क्या सुविधा उसके लिए? हम तो यहाँ पे रोपवे लाना चाहते हैं कि जिससे हमारे बुजुर्ग जो है उनको पैदल चलना पड़ता है, कई लोगों के मन में इच्छा होती है लेकिन यहाँ पे बड़ा चढ़ाव करना पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधा भी लाने का कोशिश है। हमारा ये जो बेल्ट है यहाँ पर लहरेगांव बांध सेंचुरी पार्क लगकर है, एक बड़ा डैम रिटायर्ड हो वो भी लगकर है और इसलिए एक इको टूरिज्म का एक बड़ा स्रोत यहाँ पे बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में यहाँ पे आपको बहुत बड़ा चेंजेस ये नाना पटोले साहब उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी सुविधा देकर जैसे कि रोपवे है तो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने का प्रयास आने वाले सालों में किया जाएगा। ये शादला जी और आकाश न्यूज़। हमारे आकाश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।